वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। ग्रीटिंग्स एवरीवन, इस सीरीज में हम लोग यूपीपीएससी की प्री की 2024 जो है उसकी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं और ये इस सीरीज का हमारा टेस्ट नंबर 5 है। तो चलिए हम आज के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं और हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राजनीतिक समूह के रूप में काम करना कब शुरू किया था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसकी स्थापना जो है वो 1885 में हुई थी, लेकिन जो 1920 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। उसमें बहुत सारे जो है रिफॉर्म्स लेकर के आए गए थे जिसकी वजह से जो है यहाँ पर उसको एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, पॉलिटिकल रूप दिया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ए 1920। तो जो 1920 का जो सेशन था इसमें जो है यहाँ पर जो कांग्रेस वर्किंग कमिटी जो है उनको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था लिंग्विस्टिक बेसिस पे, भाषा के आधार पर, ठीक है। और यहाँ पर जितनी भी जो वार्ड कमिटीज थी उनकी एंट्री फीस को भी घटाकर 4 आना कर दिया गया था। और इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है जो 1920 इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने कांग्रेस को 1920 जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था उसी के बाद से छोड़ दिया था। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ए 1920। सेकेंड क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सेवा मंडल की महिला शाखा की संस्थापक अध्यक्ष कौन थी? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जनवरी 1, 1923 को जो है यहाँ पर सेवा दल को एस्टैब्लिश किया गया था, तब उसका नाम था हिंदुस्तान सेवा मंडल। और इसकी जो महिला शाखा जो थी, ठीक है, जिसको जो वुमेन विंग था उसको उसकी संस्थापक कौन थी? वो थी उमाबाई कुंदापुर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। थर्ड क्वेश्चन है, बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स होता है हमारी वेट के हिसाब से हमारी हाइट, ठीक है, हमारी हाइट और हमारा जो वेट का रेशियो होता है उसी को हम लोग बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। तो ये इसको कैलकुलेट किया जाता है ताकि लोगों को वो कि ओवरवेट है, अंडरवेट है, मैलनरिश्ड है, इन सब कैटेगरी में बांटने के लिए जो है बॉडी मास इंडेक्स का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, वेट टू हाइट का रेशियो। इसके बाद हम लोग देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन, आर्गन जो है वो इनकैंडेसेंट लैंप में डाला जाता है क्यों? क्यों? इसका आंसर है कि ये जो हमारे जो आर्गन जो है ये एक इनर्ट गैस है और इसकी वजह से जो इनकैंडेसेंट लैंप में जो टंगस्टन होता है, ठीक है, उसमें जो टंगस्टन होता है उसमें जंग लगना या उसको कोरोड करने से बचाती है आर्गन गैस। और जब वो उसमें कोरोड नहीं होता तो उससे जो है उसकी बल्ब की लाइफ जो है और वो ज्यादा हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा कि ये बल्ब का जीवन बढ़ाता है क्योंकि ये वहां पे जो टंगस्टन है उसको कोरोड करने से बचाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फिफ्थ क्वेश्चन, दूध से मलाई करने को अलग करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसी तकनीक होती है जिससे कि जो भी कोई दो अलग अलग डेंसिटी के जो लिक्विड होते हैं उनको अलग करने में जो है यहाँ पे हमें उससे मदद मिलती है। तो इसका आंसर है सी, सेंट्रीफ्यूगेशन। सिक्स्थ क्वेश्चन, हार्ड वाटर, ठीक है, हार्ड वाटर में कौन से जो है या फिर हम कह सकते हैं कठोर जल में निम्नलिखित कौन से जो है आयन पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है ए, केवल एक और चार, मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयन जो है वो हार्ड वाटर में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सेवेंथ क्वेश्चन जो कि है एजर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या, सॉरी, इसका क्वेश्चन क्या है? गर्म दिन में जो है सतह के पास जो है ध्वनि तरंगों की गति जो है ऊपरी वायुमंडल की तुलना में अधिक होती है, ठीक है। वार्म डे पे जो है द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स नियर द सरफेस इज हायर देन द अपर एटमॉस्फेयर, और उसका कारण क्या है? द स्पीड ऑफ साउंड इज मोर इन मॉइस्ट एयर देन
इन ड्राई एयर। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर तो है डी, क्योंकि ये दोनों ही यहाँ पर कथन सही दिए गए हैं, लेकिन रीजन जो है, इसका कारण जो है, वो कथन की ठीक से व्याख्या जो है वो नहीं करता है। तो इसका कारण क्या है कि जो स्पीड ऑफ जो साउंड की जो स्पीड होती है, वो डायरेक्टली रिलेटेड किससे होती है? वो होती है एयर के टेम्परेचर से। ठीक है, तो जितने ज्यादा एयर की टेम्परेचर होगी, उतनी ही ज्यादा जो है साउंड वेव्स जो है और अच्छे से जो है वो मूव करेंगी, और वो जो है वार्मर एयर में जो है ज्यादा बेहतर जो है वो ट्रैवल करती हैं। तो क्योंकि यहाँ के जो एयर जो उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत तेजी से जो है वो मूव करते हैं, तो इसलिए जो हमारे जो सतह के पास जो होती है, जमीन जो होती है, वो वार्म होती है अपर एटमॉस्फेयर के मुकाबले। तो जिस वजह से जो यहाँ की जो सतह के पास की जो एयर होती है, ठीक है, जो साउंड वेव्स होती है सतह के पास, वो ज्यादा तेजी से जो है वो ट्रैवल करती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, ए और आर जो है वो दोनों सही है, लेकिन रीजन जो है वो दर्शन का ठीक से जो है स्पष्टीकरण नहीं है। इसके बाद हम लोग 8th क्वेश्चन देखेंगे, गुरु नानक किसके समकालीन थे? ठीक है, तो गुरु नानक जो है यहाँ पर जितने भी दिए गए हैं, संत कबीर, शंकर देव, बाबर, इन सभी के समकालीन रहे थे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी, क्योंकि गुरु नानक जो है उनकी अगर हम देखें, ठीक है, गुरु नानक जो है उनकी अगर हम जीवन काल देखें तो वो था 1469 से लेकर के 1539 तक। ठीक है, इसके बाद अगर यही हम संत कबीर देखें तो ये 1398 से लेकर के इनका जीवन काल था 1518 तक। यही अगर हम शंकर देव की देखें तो ये 1449 से लेकर के ये 1568 के बीच में रहे थे, और बाबर जो है वो 1483 से लेकर के 1530 तक रहे थे। तो यहाँ पर जो है गुरु नानक जो है इन सभी के समकालीन थे। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, उपरोक्त सभी। 9th क्वेश्चन, हाल ही में किबुत्स शब्द चर्चा में था, किबुत्स क्या है? ठीक है, तो अगर हम किबुत्स की बात करें तो किबुत्स जो है इसराइल में एक संगठित ग्रामीण जीवन को कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए। इसके बाद हम 12th क्वेश्चन देखेंगे, और 12th क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी शतक कपड़े के निर्माण के लिए जानी जाती थी? शतक एक प्रकार का जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कपड़ा हुआ करता था, और जो कि, ठीक है, जो कि यहाँ पर जो ब्रज रीजन जो है, ठीक है, ब्रज रीजन जो है वहां पर इसको जो है वो बनाया जाता था। तो ये किसके अंदर आता है? ये आता था सूरसेन, ठीक है, ब्रज रीजन किस में? ये सूरसेन की जो जो सूरसेन महाजनपद का हिस्सा था। तो यहाँ पे इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी मथुरा, और मथुरा ही ये जो शतक क्लोथ जो है इसके लिए बहुत ही ज्यादा जाना जाता था। ये एक यूनिक टाइप ऑफ क्लोथ था, और ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड में इसका ज्यादा महत्व था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सूरसेन, क्योंकि यहाँ पे जो है इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा थी, और मथुरा में ही जो शतक क्लोथ है वो उसको बनाया जाता था, उसका निर्माण किया जाता था। इसके बाद हम देखेंगे 11th क्वेश्चन, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है बी, 23 अगस्त को। ठीक है, हाल ही में जो है इसको ऐलान किया गया था कि 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है वो मनाया जाएगा। इसके बाद हम 12th क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन परिसीमन आयोग की नियुक्ति करते हैं? ठीक है, तो डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उसको कौन अपॉइंट करता है? वो है, इसका आंसर है सी, प्रेसिडेंट। इसके बाद हम लोग देखेंगे 13th क्वेश्चन, 1973 में हेलमंद नदी संधि पर किन देशों ने हस्ताक्षर किए थे? ठीक है, तो हेलमंद रिवर ट्रीटी जो है वो किसके बीच थी? वो थी ईरान और अफगानिस्तान के बीच में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ईरान और अफगानिस्तान। 14th क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति है? तो इसका आंसर है डी, भील। ठीक है, तो इसका आंसर है हो जाएगा डी, भील।
नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, और यहाँ पे कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर्स दिए गए हैं और वो कौन से स्टेट में अवस्थित है, उससे हमें इसको मैच करना है। तो अगर हम कैगा की बात करें तो ये कर्नाटका में स्थित है, ठीक है। कल्पक्कम जो है ये तमिलनाडु में है, काकड़ापारा जो है ये गुजरात में है, और नरोरा जो है ये उत्तर प्रदेश में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4, 3, 2 and 1, सी इज द राइट आंसर। इसके बाद 16th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नेता ने भारत छोड़ो आंदोलन के बाद द वे आउट पुस्तिका जारी की थी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, ये 1944 में जो सी राजगोपालाचारी थे उन्होंने एक पैम्फलेट को जारी किया था जिसको की कहा जिसको की नाम दिया गया था द वे आउट। ये जो मुस्लिम लीग और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में जो डेडलॉक था उसको तोड़ने के लिए इन्होंने ये पैम्फलेट जारी किया था जिसको कि हम लोग बहुत ही जो कॉमन नेम से जानते हैं, जिसको कि हम लोग राजगोपालाचारी फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं 17th क्वेश्चन, इसको अगेन हमें जो है मैच करना है, और यहाँ पर जो है जो 1857 की जो लड़ाई हुई थी वहां पर जो है कौन से रीजन से कौन से नेता जो थे वो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी 1857 की, उससे हमें यहाँ पे इसको मैच करना है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है D, 2, 3, 1 and 4, ठीक है। तो अगर हम देखें तो बिजनौर से जो है मोहम्मद खान जी ने जो है वहां पे नेतृत्व किया था उस लड़ाई का, और यहीं अगर हम गोरखपुर की बात करें तो वो थे गजाधर सिंह। इसके बाद मथुरा की बात करें तो वो थे देवी सिंह, और मुरादाबाद में जो लड़ाई लड़ी थी वो थे अब्दुल अली खान। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 2, 3, 1 and 4। 18th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने शाह शुजा और रणजीत सिंह के साथ त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 19th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा ने मगध की राजधानी गिरिव्रज को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। गिरिव्रज को ही हम लोग जो है राजगृह भी कहते हैं, तो कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने राजगृह से पाटलिपुत्र जो है अपनी कैपिटल को किया था, तो इसका आंसर है ए काल अशोक, ठीक है। तो जो शिशुनाग थे रूलर जो थे उनकी डेथ के बाद जो है काल अशोक जो है वो मगध के रूलर बने थे, और उन्होंने ही जो है यहाँ पर जो मगध की जो कैपिटल थी उसको परमानेंटली जो है राजगृह से पाटलिपुत्र कर दी थी। तो नेक्स्ट है हमारा 20th क्वेश्चन, और इसमें है कि हम यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें देखना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो पहला कथन क्या दिया गया है कि पहली जैन परिषद वल्लभी में आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी, तो ये जो है यहाँ पे गलत स्टेटमेंट दिया गया है। तीसरी बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में मोकलीपुत्र के अधीन पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही दिया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल बी, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर है हमारा बी, क्योंकि जो पहली जो जैन काउंसिल थी वो कहाँ पे हुई थी, वो पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है, वो पाटलिपुत्र में हुई थी, और जो उसकी की अध्यक्षता किसने की थी, उनको स्थूलभद्र ने ही की थी। जो सेकेंड जैन काउंसिल थी वो वल्लभी में हुई थी और उसकी अध्यक्षता जो थी तो वो देवरेति शमस रमन ने की थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। तो नेक्स्ट है हमारा 21st क्वेश्चन, और वो कहता है कि विच ऑफिसर वॉज नोन एज कुप्याध्यक्ष ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड, ठीक है। तो कुप्याध्यक्ष मौर्य काल में किस अधिकारी को कहते थे, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए, ठीक है, जो कि वन उपज के जो प्रभारी होते थे, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस के जो इंचार्ज होते थे उनको कहते थे कुप्याध्यक्ष, ठीक है। तो आंसर क्या है हमारा, आंसर है हमारा ए। तो और जो वेयर हाउस या फिर गोदाम के जो इंचार्ज होते थे उनको कहते थे कोष्ठ गृह अध्यक्ष, ठीक है, कोष्ठ जो कोष्ठ गृह जो है उसके अध्यक्ष, कोष्ठ गृह अध्यक्ष। इसके बाद अगर हम पासपोर्ट प्रभारी की बात करें तो उसको कहते थे मद्राध्यक्ष, और जो बंदरगाह सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पोर्ट्स जो थे उनको कहते थे पतन अध्यक्ष, ठीक है, पतन जो पतन से होता है ना, तो पतन अध्यक्ष, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 22nd क्वेश्चन, वो कहते हैं कि विश्व में लिथियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो इसका आंसर है डी ऑस्ट्रेलिया,
ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। और तो ऑस्ट्रेलिया में जितना भी जो लिथियम का प्रोडक्शन होता है उससे उसका 50% से भी ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया में ही हो रहा है। तो इसलिए हम इसका आंसर या मार्क करेंगे वो है डी। निम्नलिखित में से कौन से स्तंभ शिलालेख में अशोक की अपनी जनता की रक्षा के सिद्धांत का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर है हमारा सी, स्तंभ शिलालेख 1। ठीक है, स्तंभ शिलालेख 1 मतलब कि पहला एडिक्ट 1 जो है वहां पर जो है अशोक के जो है प्रिंसिपल्स जो है कि अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त दी गई है, जानकारी हमें मिलती है उससे। और यही अगर हम मेजर रॉक एडिक्ट 1 की बात करें तो यहाँ पे वो जो उसने जो बैन लगाया था एनिमल स्लॉटर पे, जो जो पशुओं को जो काटा जाता था उस पर बैन लगाया था, जो फेस्टिव गैदरिंग जो है उस पर बैन लगाया था, वो मेजर रॉक एडिक्ट 1 में उसकी जानकारी हमें वहां से मिलती है। और विक्ट्री ओवर कलिंग, ठीक है, जो कलिंग के ऊपर जो विजय प्राप्त की थी वो शिलालेख हमें 13 से प्राप्त होती है उसकी जानकारी। और जो स्तंभ शिलालेख 7 है उससे उसके रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में हमें पता चलता है। इसके बाद हम देखेंगे 24th क्वेश्चन और उसमें है कि निम्नलिखित में से कौन तीसरे संगम के अध्यक्ष थे? तो तीसरे संगम के अध्यक्ष इसमें से थे न्यायमूर्ति वी खालिद, जस्टिस वी खालिद। ठीक है, तो हमारा आंसर है यहाँ पर बी। तो अगर हम यहाँ पे अगर फर्स्ट संगम की बात करें तो वो मदुरई में हुई थी और उसके चेयरमैन थे अगस्त्य। ठीक है, सेकेंड जो थी वो कपाटवरम में हुई थी और उसकी भी अध्यक्षता जो थी वो अगस्त्य ने ही की थी। ठीक है, अगस्त्य ने ही की थी। और जो थर्ड जो संगम हुआ था, ठीक है, उस वो जो है वो नॉर्थ मदुरा में हुआ था, नॉर्थ मदुरा में हुई थी। ठीक है, इसको कंडक्ट कर गई थी और इसकी अध्यक्षता जो थी वो न्यायमूर्ति वी खालिद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25th क्वेश्चन, मोहम्मद कासिम ने अपनी पुस्तक तारीख फेरिश्ता के माध्यम से किस शासक के बारे में हमें जानकारी दी है? ठीक है, तो इस किताब में हमें जो है बुक्का वन के बारे में हमें जो है यहाँ पे उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। विजयनगर एम्पायर जो था वो हरिहर और बुक्का ने जो है हरिहर और बुक्का वन ने जो है उसकी उसको स्थापित किया था। तो बुक्का वन के बारे में हमें जानकारी जो है वो मोहम्मद कासिम की जो बुक है तारीख के फरिश्ता उसके माध्यम से हमें पता चलता है। तो यहाँ पर जो मोहम्मद कासिम जो है वो एक पर्शियन हिस्टोरियन थे और उन्होंने जो है बुक्का वन के बारे में जो है हमें जानकारी इसमें अपनी किताब में दी है। इसके बाद हम देखते हैं 26th क्वेश्चन और है कि शेट्टी हेली वन्य जीवन अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में जो है ये स्थित है, कर्नाटक के शिमोगा में ये स्थित है। और यहाँ पर जो है मेन रिवर्स जो है वो है एक कुमाद वटी। ठीक है, कुमाद वटी और थुंगा, तो इसकी ये दो मेन रिवर हैं। इसके बाद हम देखते हैं 27th क्वेश्चन और उसमें है हाल ही में इसराइल पर ट्राइटोनल से भरे बम का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। ट्राइटोनल ट्रिनिटो टूलिन और किसका संयोजन होता है? ठीक है, तो इसका आंसर है बी, एल्यूमिनियम का। ठीक है, इसमें जो है ट्राइटोनॉल जो है वो 80% होता है और 20% जो है वो जो सॉरी ट्राइटोनॉल जो है ठीक है सॉरी एक सेकेंड ट्राइटोनॉल जो है इसमें 80% जो है वो TNT होता है और 20% जो है वो एल्यूमिनियम होता है। 28th क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत को जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है कौन सा स्थान मिला है? वो मिला है 111। तो डी इज द राइट आंसर। और यही अगर हम बात करें तो 2022 में हमारी रैंक कितनी थी? वो थी 107। तो हम यहाँ पे 4 पॉइंट जो है हमें और जो है उसमें गिरावट देखने को मिली है। तो अगर ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अगर 107 से जो है 111 रैंक आ गई है
तो क्या हम उसमें हम लोग ने अच्छा इम्प्रूव किया है, या हमने उस इंडेक्स में बेहतर परफॉर्मेंस की है, या फिर हमारी परफॉर्मेंस में गिरावट आई है? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी जो परफॉर्मेंस जो है उसमें गिरावट हमें देखने को मिली है। इसके बाद हम देखेंगे 29th क्वेश्चन, सातवीं भारतीय मोबाइल कांग्रेस कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर है सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो भारत मंडपम है वहां पर जो है इसको आयोजन इसका किया गया था, और इसकी जो थीम थी, ठीक है, इसकी थीम क्या थी? ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन जो है इसकी थीम थी। इसके बाद हम देखेंगे 30th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध मुगल सम्राट बाबर द्वारा नहीं लड़ा गया था? तो यहाँ पे इसमें से कौन सा है, इसमें से बैटल ऑफ कन्नौज जो है ये बाबर के द्वारा जो है ये नहीं लड़ा गया था। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बैटल ऑफ कन्नौज जो है ये 1540 में हुआ था, जो कि महमूद लोदी और जो है सॉरी जो बैटल ऑफ कन्नौज जो है ये हुमायूं, ठीक है, हुमायूं एंड शेरशाह में हुआ था, जिसमें कि शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया था। तो इसी के बाद जो है शेरशाह ने दिल्ली को कैप्चर भी कर लिया था। तो अगर हम बाबर के मुख्य युद्ध की बात करें तो उसमें आता है बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खनवा, बैटल ऑफ चंदेरी और बैटल ऑफ घाघरा। इसके बाद हम देखेंगे 31st क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग, ठीक है, इस पे हमें वो करना है और हमें देखना है कि यहाँ पर दिए गए हैं कि उनके जो फाउंडर थे, इन सारी जो डायनेस्टीज के इनके जो फाउंडर थे उसमें से कौन से पेयर जो है वो करेक्टली मैच है। तो तुगलक डायनेस्टी की नींव किसने रखी थी? वो रखी थी गाजी मलिक ने, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सैयद वंश की जो नींव है वो किसने रखी थी? वो खिजरकान ने लिखी थी, वो भी बिल्कुल सही है। और खिलजी वंश की जो नींव है वो किसने रखी थी? वो जलालुद्दीन खिलजी ने रखी थी, जिसका की जो असली नाम था वो था मलिक फिरोज। ठीक है, तो ये भी जो पेयर है बिल्कुल ही ठीक है। तो हमारे जो यहाँ पे तीनों पेयर जो है वो करेक्ट दिए गए हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 एंड 3, ऑल थ्री पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। 32nd क्वेश्चन, किसके शासनकाल के दौरान महमूद गजनवी ने पहली बार गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य पर आक्रमण किया था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, राज्यपाल। राज्यपाल जो है, ठीक है, जो राज्यपाल राजा थे उन्होंने 960 से लेके 1118 सॉरी 1018 AD तक जो है यहाँ पे उन्होंने रूल किया था, और उन्होंने जो है कई सारे उनके जो उन्होंने कार्य किए थे, जिसमें कि उस उनके जो कुछ अगर हम मुख्य कार्यों की बात करें तो जो राष्ट्रकूट किंग कृष्ण थ्री थे, ठीक है, उन्होंने ही जो है प्रतिहार किंग राज्यपाल को जो है यहाँ पे हराया था। और इन्हीं के समय में महमूद ऑफ गजनवी जो गजनवी गजनी थे, ठीक है, उन्होंने कन्नौज पर जो है आक्रमण किया था और राज्यपाल को फोर्स किया था कि वो वहां से चले जाए। और अंत में जो है चंडेला किंग विद्याधर जो थे उन्होंने राज्यपाल की हत्या कर दी थी। इसके बाद हम देखेंगे 33rd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चोलों का एक प्रशासनिक केंद्र था? ठीक है, तो अगर हम चोलों की प्रशासनिक केंद्र की बात करें तो इसका आंसर क्या होगा? इसका है आंसर है बी, पलयारई। ठीक है, तो पलयारई जो थी यह चोलास की जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था, और साथ ही साथ जो है उनका रेसिडेंशियल कैपिटल भी था। यही अगर हम नागपट्टिनम के और विशाखापट्टनम जो है ये इनके बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटर थे। कांचीपुरम की बात करें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिल्क वीविंग का बहुत ही ज्यादा काम होता है। ठीक है, तो ये आज भी जो है सिल्क वीविंग के लिए कांचीपुरम जो है वो बहुत ही मशहूर है, और चोला के टाइम पे भी कांचीपुरम में जो है सिल्क का काम बहुत ज्यादा होता था। और यही अगर हम कुदामकु की बात करें तो यहाँ पे मेटल वर्क था, मिंटिंग थी, ठीक है, मिंटिंग था, अरेका नट मतलब कि वो जो सुपाड़ी होती है उसके कल्टिवेशन के लिए, टेक्सटाइल के लिए ये जो है ये शहर जो है वो जाना जाता था। 34th क्वेश्चन, कश्मीर पर शासन करने वाले निम्नलिखित राजवंशियों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें? ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जो कश्मीर की, ठीक है, तो उस पे कौन से सबसे पहले जो है यहाँ पर किसने जो किसने यहाँ पे
अपना शासन किया था तो सबसे पहले थे करकोटा वंश, उसके बाद थे उत्पल वंश, और उसके बाद थे हिंदू शाही वंश, और उसके बाद थे लोहार वंश। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 8, 2, 1, 4 एंड 3। ठीक है, तो अगर हम करकोटा वंश की बात करें तो इन्होंने जो है 625 से लेके 855 सीई तक जो है यहाँ पर उन्होंने अपना शासन किया था। उसके बाद अगर हम उत्पल डायनेस्टी की बात करें तो ये 855 सीई में, ठीक है, ये जो है अवंती वर्मन द्वारा जो है इसकी नींव रखी गई थी। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें हिंदू शाही या फिर काबुल शाही डायनेस्टी भी इसको कहते हैं, तो इसके फाउंडर कौन थे, इसके फाउंडर थे कलार, जिन्होंने जो है यहाँ पे नींव रखी थी 850 से लेकर 126 तक इन्होंने रूल किया था। और इसके बाद हम देखते हैं लोहार डायनेस्टी, ठीक है, तो लोहार डायनेस्टी जो है ये 1003 से लेकर 1320 तक इन्होंने जो है यहाँ पे रूल किया था। इसके बाद हम देखते हैं 35th क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मकबरा जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डी, दिल्ली। 36th क्वेश्चन, संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, तो इसका आंसर क्या है, सही 22 जुलाई 1947, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो हमारी जो इंडियन नेशनल फ्लैग की जो प्रेजेंट डिजाइन है उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा 22 जुलाई 1947 को जो है इसको अपनाया गया था, और इसको डिजाइन किसने किया था, वो थे पिंगली वेंकैया। ठीक है, पिंगली वेंकैया ने इसको जो है यहाँ पर डिजाइन किया था, जो कि हमारा जो प्रेजेंट जो अभी जो हमें जो प्रेजेंट ट्राइकलर जो हम यूज करते हैं, जो हमारे जो नेशनल फ्लैग है उसको डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। इसके बाद हम देखते हैं 37th क्वेश्चन, और इस 37th क्वेश्चन है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व जो है उसे समाप्त कर दिया गया था, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के से जो है एंग्लो इंडियन का जो रिप्रेजेंटेशन होता था लोकसभा में और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में उसको जो है यहाँ पर खत्म कर दिया गया है। तो इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा था, आर्टिकल जो है 331 जो था वो इससे रिलेटेड था, जिसमें कि दो एंग्लो इंडियन को जो है यहाँ पे नॉमिनेशन की करने की बात की गई थी राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में। ठीक है, लेकिन इसको जो है यहाँ पे हटा दिया गया है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 से। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे 38th क्वेश्चन, पहला उत्तर प्रदेश दिवस जो है वो कब मनाया गया था, तो इसका आंसर क्या है, बी, 24 जनवरी 2018 को। ठीक है, तो सबसे पहला जो है यहाँ पर उस पहला उत्तर प्रदेश दिवस जो है 2018 में मनाया गया था। इसकी घोषणा जो है, ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस को मनाने की घोषणा जो है मई 2017 को की गई थी। ठीक है, लेकिन ये जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिवस जो है वो मनाया कब जाता है, वो 24 जनवरी को मनाया जाता है, तो मई 2017 के बाद, ठीक है, पहला जो 24 जनवरी 2018 आया था तो तब पहली बार जो है उत्तर प्रदेश दिवस को मनाया गया था, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, 24 जनवरी सन 2018। 39th क्वेश्चन, थोक मूल्य सूचकांक की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है हमारा डी। ठीक है, सेवाएं, इसमें जो है सर्विसेज जो है बिल्कुल भी इसमें इंक्लूड नहीं की जाती है। जो भी WPI का जो बास्केट है उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें से जो प्राइमरी गुड्स जो है उसको जो है यहाँ पे उसको जो है 20.1% का उसका जो है भार दिया गया है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो है उसको 65% का भार दिया गया है, और इसी के साथ साथ जो फ्यूल एंड पावर है इसका भार कितना है, 14.9% है, तो इसमें सर्विसेज को जो है वो इंक्लूड
नहीं किया जाता है। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो जो WPI को कैलकुलेट कौन करता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है वो कैलकुलेट करती है। 40th क्वेश्चन, जनसंख्या का इष्टतम सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? देखिए, ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन जो है किसने दी थी, वो दी थी एडविन कैनन ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एडविन कैनन ने वर्ष 1924 में उनकी जो किताब थी वेल्थ, उसमें जो है उन्होंने सबसे पहले ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन की बात की गई थी। इसके बाद हम देखते हैं 41st क्वेश्चन, पाल्मा अनुपात के माध्यम से क्या नापा जाता है, पाल्मा रेशियो से क्या नापा जाता है? तो इसका आंसर है ए, आय असमानता, इनकम इनइक्वालिटी को जो है पाल्मा रेशियो से नापा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं 42nd क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमें दो लिस्ट दी गई है जिसको कि हमें मैच करना है। तो यहाँ पर अगर हम 371A आर्टिकल देखें तो ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है नागालैंड से, ठीक है। आर्टिकल 371C किससे रिलेटेड है, वो है मणिपुर से। 371F किससे रिलेटेड, वो है सिक्किम से। और 371H जो है वो अरुणाचल प्रदेश से है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी, 4, 3, 2 and 1। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 43rd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत दो या उससे अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था वर्ष 1956 में जो लाया गया था, उससे किसी भी दो राज्यों के एक ही राज्यपाल को जो है वो बनाया जा सकता है। 44th क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित शामिल होते हैं, ठीक है, कौन कौन से शामिल होते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में, सॉरी उसमें जो उनका जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, तो उसमें कौन कौन है, उसमें है जो है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट और नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ये दोनों ही वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में जो है वो शामिल होते हैं। तो जो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं उनका कोई भी रोल नहीं होता है। यही अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें, ठीक है, तो प्रेसिडेंट में जो है केवल जो है यहाँ पे जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट है उनको यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, नॉमिनेटेड मेंबर्स को प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में इंक्लूड नहीं किया जाता है। और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनको भी इसमें प्रेसिडेंट में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा ए, केवल 1 और 2 जो है वाइस प्रेसिडेंट में इंक्लूड किया जाता है। 45th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संविधान की संघीय विशेषताएं होती हैं, ठीक है, तो कौन कौन सी संघीय विशेषताएं हैं, तो लिखित संविधान है, ठीक है, और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। एकल संविधान जो है ये एक यूनिटरी फीचर है, तो इसलिए ये यहाँ पर गलत दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, केवल 1 और 2। इसके बाद हम देखेंगे 46th क्वेश्चन, और 46th क्वेश्चन पूछता है, हाल ही में किस देश ने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, इंडिया। 47th क्वेश्चन, जो लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो इस समिति के सभी सदस्य केवल लोकसभा से आते हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर दिया गया है स्टेटमेंट, ये यहाँ पर स्टेटमेंट जो है ये गलत दिया गया है। इसके टोटल जो है यहाँ पे 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 जो है वो लोकसभा से आते हैं और 7 जो है वो राज्यसभा से आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट, इस समिति की स्थापना पहली बार भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई थी, ये बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट दिया गया है। इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट देखें तो इस समिति द्वारा की गई सिफारिशें केवल सलाहकारी प्रकृति की होती हैं, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, केवल 2 एंड 3।
48th क्वेश्चन, विधान परिषद द्वारा किसी धन विधेयक को विलंबित करने की अधिकतम समय अवधि क्या है? ठीक है, तो द मैक्सिमम टाइम पीरियड फॉर विच द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन डिले अ मनी बिल इज, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 14 डेज। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी भी मनी बिल को सिर्फ 14 डेज तक ही डिले कर सकती है, उसके बाद अगर वो उस पर कोई भी प्रक्रिया नहीं देती है तो ये जो है उसी रूप में जो है उसे पास माना जाता है कि वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल से जो है वो पास कर दिया गया है। 49th क्वेश्चन, निम्नलिखित भाषाओं पर विचार करें, बोडो, मैथिली, सिंधी और कोंकणी, तो इसमें से जो उपरोक्त में से कौन सी भाषा जो है वो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जो है वो जोड़ी गई है, तो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर होगा हमारा डी, केवल फर्स्ट एंड सेकंड, बोडो एंड मैथिली। ठीक है, तो इसको जो है 92nd शेड्यूल से जो है वो जोड़ा गया है। अगर यहीं हम सिंधी की बात करें, ठीक है, तो ये 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 से जो है इसको जोड़ा गया था, और यही कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जो है इसको 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से जोड़ा गया था, और यही अगर हम बात करें 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, तो उससे बोडो, डोगरी, मैथिली और संथेली को जोड़ा गया था। तो यहाँ पे बोडो और मैथिली जो है वो सही जवाब है यहाँ पर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50th क्वेश्चन, राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, तो जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है उनकी जो मेंबर्स होती है उनको कौन जो है वो अपॉइंट करता है? तो इसका आंसर है सी, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जो चेयरमैन होता है या फिर जो उसके अदर मेंबर्स होते हैं उसको प्रेसिडेंट द्वारा ही जो है वो नियुक्त किया जाता है, तो हमारा आंसर क्या है? सी है। 51st क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी अनुच्छेद 105 के अंतर्गत निर्धारित संसदीय विशेषाधिकारों का लाभ मिलता है? ठीक है, तो आर्टिकल 105 में पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात की गई है, तो ये किस किस को यहाँ पर जो है वो एक्सटेंड किया गया है हमें ये बताना है। क्या ये अटॉर्नी जनरल को दिया जाता है? बिल्कुल सही है। क्या ये प्रेसिडेंट को दिया जाता है? ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए, अटॉर्नी जनरल के पास ये जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं वो उनको एक्सटेंड किया जाता है। ठीक है, अब प्रेसिडेंट हालांकि जो है इंटीग्रल पार्ट तो होता है पार्लियामेंट का, लेकिन उसके पास ये प्रिविलेजेस जो है वो नहीं होते हैं, उनको ये नहीं दिए जाते हैं। तो जो हमारे जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो किसी भी जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स जो होते हैं उसको अटेंड कर सकते हैं, लेकिन उनके पास जो है उसको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। वो किसी भी प्रोसीडिंग्स में जो है वो अपने विचार रख सकते हैं, उन्हें बोलने का हक होता है, लेकिन वो अपने वोट जो है वो नहीं दे सकते हैं, और इनके पास जो है सारे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो है वो भी उनको दिए जाते हैं। 52nd क्वेश्चन, ग्राम न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है हमें विचार करना है, और इसमें से हमें क्या करना है, हमें देखना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो ग्राम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है, ये बिल्कुल सही जवाब है। सेकंड है, ग्राम न्यायालय केवल सिविल न्यायालय की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, ये गलत है। यहाँ पे सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट दोनों की उनके पास शक्ति होती है। थर्ड स्टेटमेंट, ग्राम न्यायालय के किसी भी निर्णय के विरुद्ध किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो ये भी गलत है। यहाँ पे अपील की जा सकती है, वो भी 6 मंथ्स के अंदर। ठीक है, 6 मंथ का जो है समय अवधि दी गई है, जिसके उसी समय सीमा में जो है उसके जो भी वर्डिक्ट है उसके अगेंस्ट अपील की जा सकती है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, वो हो जाएगा ए, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही दी गई है। 53rd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की एक विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी। ठीक है, इट एम्पावर्ड द वायसराय टू इशू एन ऑर्डिनेंस इन केस ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत दिया गया है। तो ये जो है ये जो
जो आपातकाल की स्थिति में वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किससे मिलता है, वो मिलता है 1861 के अधिनियम से। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है यहाँ पर गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 54th क्वेश्चन, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन डैश के अंतर्गत दिया जाता है। ठीक है, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज किसके अंडर दिया जाता है, तो इसका आंसर है बी। ठीक है, 43B आर्टिकल में, ठीक है, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के 43B में जो है यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है उनको प्रमोशन की बात की गई है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 55th क्वेश्चन जो है। अच्छा, अगर हम देखें तो ये जो प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात की गई है, इसके लिए हम इसको DPSP में जो है यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट जो होता है वो उसको बनाने के लिए, ठीक है, उसको बनाने का अधिकार देती है। प्रमोशन जो है, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो DPSP में दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं 55th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कृष्णा नदी जल विवाद में जो है वो शामिल नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डी, केरला। 56th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही से सुमेलित है, तो यहाँ पर अगर हम देखें आर्टिकल 76 और अटॉर्नी जनरल, ठीक है, से होता है, ठीक है, तो ये यहाँ पर एकदम सही दिया गया है। आर्टिकल 315 चुनाव आयोग, ये गलत दिया गया है। आर्टिकल 15 जो है वो UPSC से रिलेटेड है। आर्टिकल 324 जो है ये जो है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, और आर्टिकल 280 जो है वो फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, केवल फर्स्ट एंड फोर्थ जो पेयर है वो यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 57th क्वेश्चन, हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर COP 28 कहाँ पर आयोजित जो है वो किया गया था, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी, दुबई में। ठीक है जी, दुबई में इसको जो है यहाँ पर आयोजित किया गया था। 58th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA, ठीक है, तो इसका आंसर है ए, ठीक है, 1 and 3, मतलब रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जजेस एंड जुडिशियल रिव्यू, ये दोनों जो है हमने जो USA के कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये वाले फीचर्स जो है वो उधार में लिए हैं। प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश बाय लॉ, ये कहाँ से लिया है, ये जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। और प्रेरोगेटिव रिट्स जो है, विशेष अधिकार रिट जो है, ये जो है हमने ये जो फीचर है ये कहाँ से लिया है, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। इसके बाद हम देखेंगे 59th क्वेश्चन, जो कि दो यहाँ पे लिस्ट दी गई है और हमें उसे जो है यहाँ पे मैच करना है। तो यहाँ पे कुछ डिसीजेस दी गए हैं और वो कौन से क्रॉप से रिलेटेड है, हमें इसको यहाँ पर मैच करना है। तो अगर हम लूज स्मट की बात करें तो ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है गेहूं से, वीट से। ब्लास्ट किससे रिलेटेड है, वो है राइस से। लेट ब्लाइट जो है वो पोटैटो से रिलेटेड है, और रेड रॉट जो है वो शुगर केन से रिलेटेड है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी, 314 and 2। 68th क्वेश्चन, ठीक है, तो निम्नलिखित यहाँ पे यहाँ पे कथन दिया गया है और उसका कारण दिया गया है, और हमें देखना है कि यहाँ पे कौन से इसमें को जो भी हमें जो कोट्स दिए गए हैं इसमें से कौन सा सही है। तो अगर हम देखें, वायरस में RNA और DNA दोनों होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिया गया है। ठीक है, वायरसेस में या तो RNA होगा या DNA होगा, लेकिन दोनों कभी भी नहीं होंगे। ठीक है, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, दोनों कभी नहीं होंगे। तो हमारा फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर गलत है। सेकंड कारण, RNA और DNA न्यूक्लियो प्रोटीन से बने होते हैं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, की assertion, ठीक है, कथन तो गलत है लेकिन जो रीजन है इसका
सही है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 61st क्वेश्चन, जो कि ये भी जो है यहाँ पे कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। और यहाँ पर कहा गया है कि लाईफाई सिग्नल नेटवर्क वाईफाई से अधिक सुरक्षित है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लाईफाई में ऐसे दृश्यमान और निकट दृश्यमान प्रकाश का उपयोग किया जाता है जो दीवारों से गुजर नहीं सकते हैं। ये भी बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, तो लाईफाई की जो रेस होती है, ठीक है, जो उनका सिग्नल में नेटवर्क होता है वो बहुत ही ज्यादा सिक्योर होता है, क्योंकि वो जिस भी रूम में होते हैं उसके परे वो उस दीवारों को चीर नहीं सकते, उस दीवार के परे नहीं जा सकते। तो इसलिए लाईफाई जो नेटवर्क है वो बहुत ही ज्यादा सिक्योर माना जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, कि कथन भी सही है, कारण भी सही है, और जो कारण है वो कथन को सही से एक्सप्लेन भी करता है। 62nd क्वेश्चन, कथन, वायरस प्रोटीन नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या है? वायरस में राइबोसोम की कमी होती है। ठीक है, तो ये दोनों भी यहाँ पर सही दिए गए हैं, और जो कथन है वो जो कारण है वो कथन को सही से एक्सप्लेन भी करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा। 63rd क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान करना है, मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, यहाँ पर दो हमें वो दिए गए हैं, लिस्ट दी गई है जिसका कि हमें जो है यहाँ पे मिलान करना है। तो यहाँ पर जीनत महल को देखें तो वो कहाँ से थी? वो दिल्ली से थी। मनीराम दीवान कहाँ से थे? वो थे असम से। मौलवी अहमदुल्ला जो थे वो अवध से थे, और कुंवर सिंह जो थे वो जगदीशपुर से थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, इसके बाद 64th क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया निम्नलिखित में से कौन से अखबार का नाम 1933 में हरिजन रख दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, युवा भारत, या फिर यंग इंडिया। ठीक है, तो 1919 में महात्मा गांधी ने दो नए वीकली चलाए थे, एक यंग इंडिया था उसमें से, और दूसरा था नवजीवन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दोनों ही जो अखबार थे ये अहमदाबाद गुजरात से जो है प्रकाशित किए जाते थे, और 1933 में यंग इंडिया को कन्वर्ट कर दिया गया था हरिजन बंधु में। ठीक है, हरिजन बंधु में जो है कन्वर्ट कर दिया गया था। ये कम्युनल अवार्ड जो 1932 में था, ठीक है, जो ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे इसको जो है इसका नाम बदल दिया गया था। 65th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल रहे थे? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 65 का डी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहले जो गवर्नर जनरल थे फ्री इंडिया के वो कौन थे? वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि उसके बाद जो है सी राजगोपालचारी जो है वो कुछ दिन के लिए जो है गवर्नर जनरल जो है वो बने थे। ठीक है, उन्हें इंटरिम गवर्नमेंट जो थी उसका गवर्नर जनरल जो है वो नियुक्त किया गया था, और उन्होंने ठीक है जून 1948 से लेके जनवरी 1950 तक जो है इसको वो इस पद पे बने रहे थे। तो वो एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल थे जो कि इंडियन थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। तो नेक्स्ट है हमारा 66th क्वेश्चन, और वो कहता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लिएस्ट अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित हमें करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस देखें तो ये कब हुआ था? 1910 में हुआ था। मेरठ षड्यंत्र केस जो है वो 1929 में हुआ था। नासिक षड्यंत्र केस जो है ये 1909 में हुआ था, और विक्टोरिया कॉन्स्पिरेसी केस जो है वो 1914 में हुआ था। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ए, 3, 1, 4 एंड 2। नेक्स्ट है 67th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है? तो अगर हम देखें तो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है एम एन रॉय ने स्थापित की थी, ये बिल्कुल सही दिया गया है, और इसकी स्थापना जो है वर्ष 1940 में की गई थी। रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी, या फिर हम कह सकते हैं क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी का जो स्थापना थी वो एस एन सोमेंद्र नाथ टैगोर ने की थी 1900
1934 में, ठीक है, 1934 में। और इंडियन बोल्शेविक लेनिन पार्टी, भारतीय बोल्शेविक लेनिन पार्टी जो है ये किसने स्थापित की थी, ये की थी अजीत राय ने, ठीक है, अजीत राय और इंद्र सेन ने की थी इसकी स्थापना। तो ये वाला पेयर जो है ये यहाँ पे गलत दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, केवल फर्स्ट और सेकंड पेयर जो है यहाँ पर एकदम सही दिए गए हैं। और इंडियन बोल्शेविक लेनिन पार्टी की जो स्थापना है वो वर्ष 1941 में की गई थी। 68th क्वेश्चन, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें स्टेटमेंट दिया गया है इसकी स्थापना वर्ष 1918 में रामास्वामी नायकर ने की थी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिया गया है क्योंकि इसकी स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना की थी महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी ने की थी, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिया गया है। महात्मा गांधी अपनी मृत्यु तक इसके अध्यक्ष बने रहे थे, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और थर्ड स्टेटमेंट है इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है, ठीक है, तो ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है। तो आंसर तो हमारे यहाँ पे सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, ओनली टू एंड थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओके। इसके बाद हम देखते हैं 69th क्वेश्चन, और 69th क्वेश्चन कहता है कि मैकडोनल्ड अवार्ड में निम्नलिखित में से किस समूह के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की घोषणा की गई थी। तो सबसे पहले मुसलमान है, ठीक है, मुस्लिम्स के लिए की गई थी सेपरेट इलेक्टोरेट की घोषणा, इसमें बिल्कुल सही है। डिप्रेस क्लासेस के लिए भी की गई थी, सिक्स के लिए की गई थी, मराठास के लिए की गई थी, चारों के लिए की गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो जो कम्युनल अवार्ड थे ये, इसको मैकडोनल्ड अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, और इसको जो है 1932 में जो है इसका ऐलान किया गया था, और इसमें जो है कई सारे जो कम्युनिटीज हैं उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए, ठीक है, प्रत्येक निर्वाचन के लिए जो है इसमें घोषणा की गई थी। तो वो कौन कौन सी कैटेगरीज थी, उसमें मराठा इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, सिक्स इंक्लूडेड है। उसके बाद यहाँ पे जो इंडियन क्रिश्चियन है उनके लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन रखा गया था, डिप्रेस क्लासेस है, विमेन है, एंग्लो इंडियंस है, इन सभी के लिए जो है सेपरेट इलेक्टोरेट का जो है इसमें प्रावधान रखा गया था। और इसी के अंतर्गत जो है 3% जो सीट्स है वो महिलाओं के लिए जो है सभी प्रोविंसेस में आरक्षित की गई थी, एक्सेप्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जो था उसको छोड़ के सारे ही प्रोविंस में जो है 3% जो सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई थी। इसी के साथ साथ बहुत सारी सीट्स थी जो लैंडलॉर्ड, ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, लेबरर्स, इन सब के लिए भी वहां पे आरक्षित की गई थी। नेक्स्ट इज 70th क्वेश्चन, और वो कहता है निम्नलिखित में से कौन हरिजन सेवक संघ के पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। तो इसका आंसर है ए घनश्याम दास बिरला, ठीक है। तो ये जो हरिजन सेवक संघ है इसकी स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना भी जो है महात्मा गांधी जी ने की थी वर्ष 1935 में, 1932 में। और घनश्याम दास बिरला जो है वो इसके प्रथम जो है वो प्रेसिडेंट थे, और अमृतलाल ठक्कर जो है, ठीक है, ये इसके फर्स्ट जो है वो सेक्रेटरी थे, ठीक है। इसके बाद 71st क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही ढंग से मेल खाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे नॉट पूछा गया है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है कौन सा जो है सही से मेल नहीं खाता है क्वेश्चन में होगा, ठीक है। तो देयर सम प्रॉब्लम विद द ट्रांसलेशन, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 71st क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर क्या होगा, वो होगा सी, जॉन मथाई। तो जॉन मथाई जो थे वो कौन से थे, वो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस थे, ठीक है, जो फर्स्ट कैबिनेट थी इंडिपेंडेंट इंडिया की, उसके कुछ मिनिस्टर्स दिए गए हैं, और उन्होंने कौन सा पोर्टफोलियो होल्ड किया था उसका यहाँ पे जो है पेयर दिया गया है। तो इसमें जो है थर्ड पेयर जो है जॉन मथाई सी जो है वो गलत दिया गया है, क्योंकि जॉन मथाई जो थे वो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 72nd क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में पीरपुर समिति की अध्यक्षता किसने की थी, ठीक है। तो पीरपुर जो समिति थी इसकी ये जो है ये मुस्लिम लीग द्वारा जो है 1938, ठीक है, 1938 में जो है इसको इसका गठन किया गया था, और इसके अध्यक्ष थे राजा सैयद मोहम्मद मेहदी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो बी हो जाएगा। जो 1936 में जो कांग्रेस की जो सरकार बनी थी, ठीक है, 1937 से लेकर 1900
39 तक, ठीक है, 1936 का जो इलेक्शन हुआ था उसके बाद बनी थी। तो वहाँ पे जो है जो कांग्रेस गवर्नमेंट की जितनी भी एट्रोसिटीज थी, उनके जितना भी जो अत्याचार थे, उसको हाईलाइट में लाने के लिए मुस्लिम लीग द्वारा जो है इस समिति का गठन किया गया था। 73rd क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो अगर हम पहला देखें तो कुशल अकर्मण्यता की नीति लॉर्ड लॉरेंस द्वारा शुरू की गई थी, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जो पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी है, ये किसने शुरू की थी, ये लॉर्ड लॉरेंस ने की थी, बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है, इट इंसिस्टेड ऑन द नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ अफगानिस्तान बाय द ब्रिटिश, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है कि उन्होंने कहा था कि ये जो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर के बाद जो है इसको लेकर के आए थे और वहां पे जो है जो ब्रिटिशर्स थे उनको बहुत ही ज़्यादा जो डिजास्टर कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़े थे फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर के बाद, उसी के बाद जो है उन्होंने कहा था कि हम अफगानिस्तान के जो जितने भी मैटर हैं उसमें किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार से इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2, ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट दिया गया है। 74th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर गलफड़ों से सांस नहीं लेता है, ठीक है, डॉल्फिन, प्रॉन्स, क्रैब्स या फिर टैडपोल्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, डॉल्फिन हो जाएगा। तो डॉल्फिन के जो है ऊपर जो है वहां पे एक ब्लो नोज होता है, तो ब्लो होल होता है, ठीक है, वो उसी से जो है वहां पे सांस लेती है, ठीक है, वो उसके सर के ऊपर की तरफ होता है। तो डॉल्फिन जो है वो डॉल्फिन को अक्सर आप लोगों ने भी देखा होगा जब वो सांस लेने के लिए जो है ऊपर आती है, तो जो भी अंडर वाटर जो गिल्स से जो जितने भी जो मरीन ऑर्गेनिज्म से फिर मरीन जो एनिमल्स है अगर वो सांस लेते हैं तो वो अंडर वाटर ही लेते हैं, पानी के नीचे ही लेते हैं, लेकिन डॉल्फिन जो है अक्सर हमने देखा है सतह के ऊपर आती है क्योंकि उसके सर के ऊपर ही जो है एक ब्लो होल होता है जिससे कि वो सांस लेती है। बाकी क्रैब्स जो है वो अपने गिल के थ्रू जो है यहाँ पर क्रैब्स और प्रॉन्स और टैडपोल्स जो है ये गिल्स के थ्रू ही जो है वो सांस लेते हैं। इसके बाद हम 75th क्वेश्चन देखेंगे, ना मनुष्य की खोपड़ी में निम्नलिखित में से कौन सी एकमात्र चलायमान हड्डी होती है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी, मैंडिबल, ठीक है। मैंडिबल जो होती है हमारी ये जो लोअर जॉ बोन जो होती है, ठीक है, जो हमारा जो निचला जबड़ा होता है ये वाली जो बोन होती है इसको हम लोग मैंडिबल कहते हैं और ये एकमात्र हमारे पूरे स्कल में एकमात्र ऐसी हड्डी है जो कि मूवेबल होती है। इसके बाद 76th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम बड़ी आंत द्वारा स्त्रावित नहीं होता है, ठीक है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर है क्योंकि जो जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, बड़ी आंत होती है, उसे कोई किसी भी प्रकार का डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो उसका उस जो है वो रिलीज नहीं करता है क्योंकि जो बड़ी आंत है उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है कि जो भी इंसान कि जितना भी जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है और इलेक्ट्रोलाइट्स को जो है एब्जॉर्ब करता है और जो हमारे जो वेस्ट मैटर होता है उसको एलिमिनेशन का काम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। इसके बाद हम बात करेंगे 77th क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन प्रतिवर्ती क्रियाओं के समन्वय और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन हमारे कौन कंट्रोल करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड, मतलब कि सी इज द राइट आंसर। तो हमारे जितने भी रिफ्लेक्स एक्शंस हैं उसको जो है हमारे स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कंट्रोल करती है और रेगुलेट करती है। 78th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही से दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्या है, लिटमस विभिन्न रंगों का पानी में घुलनशील मिश्रण होता है, ये बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है। तो लिटमस जो है वो वाटर सॉल्युबल मिक्सचर होता है डिफरेंट डाइज का, कई प्रकार के जो डाइज होती है उसको जो है उसका मिश्रण जो होता है और ये पानी में घुलनशील होता है, बिल्कुल सही दिया गया है। सेकेंड क्या है, लिटमस कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, क्या लिटमस ओक की ओक ट्री से जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो ये यहाँ पर गलत दिया गया है क्योंकि लिटमस जो है वो लाइकेन से अट्रैक्ट किया जाता एक्सट्रैक्ट किया जाता है लाइकेन से, तो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो गलत दिया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा एफ, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। 79th क्वेश्चन की बात करेंगे, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है, तो जो भी अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके
इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कहता है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉज बाय द कन्वेक्शन करंट प्रेजेंट इन अर्थ आउटर कोर। ठीक है, तो जो अर्थ का जो आउटर कोर है उसमें जो है बहुत सारा जो है मोल्टन पिघला हुआ आयरन और निकल मौजूद है, जिसकी वजह से बहुत सारा कन्वेक्शन करंट वहां पर उत्पन्न होता है और यही कारण है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया गया है। सेकेंड, इट प्रोटेक्ट्स आवर प्लैनेट बाय ब्लॉकिंग द हार्मफुल रेज एमिटेड बाय द सन। ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा सी, एक और दो, दोनों ही जो है यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो सही दिए गए हैं। 80th क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनाज ग्लूटेन मुक्त होता है। ग्लूटेन मुक्त जो है वीट, राइस, बाले या फिर राई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चावल, बी इज द राइट आंसर। तो ग्लूटेन एक प्रकार का क्या होता है, वो प्रोटीन ही होता है जिसको कि जो है एक बाइंडिंग इफेक्ट देता है। कोई भी जो ग्रेन है उसमें अगर बाइंडिंग इफेक्ट है तो उसमें जो है ग्लूटेन होता है, लेकिन चावल जो है उसमें किसी भी प्रकार का ग्लूटेन जो है वो मौजूद नहीं होता, तो ये ग्लूटेन फ्री होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। 81st क्वेश्चन, ठीक है, WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है एक एम पावर मेजर्स जो है वो चलाए जा रहे हैं, वो किससे रिलेटेड हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तंबाकू नियंत्रण, टोबैको कंट्रोल से ये जो है इसका ये एसोसिएटेड है। 82nd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है। ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होता है, इसका आंसर है बी, राइबोसोम्स में। ठीक है, राइबोसोम जो हमारे जो सेल के अंदर होता है वहीं पे जो है प्रोटीन जो है वो उसका संश्लेषण होता है या फिर प्रोटीन जो है सिंथेसिस होता है। इसके बाद हम देखते हैं 83rd क्वेश्चन, खाद्य विकिरण के बारे में हमें निम्नलिखित में से देखना है कि कौन कौन से कथन जो है वो सत्य है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है ट्रू कौन कौन से हैं, सत्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये भोजन के पोषण मूल्य को बढ़ाने में सहायक है, तो यहाँ पे ये जो है ये गलत स्टेटमेंट दी गई है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, ये खाद्य जनित बीमारियों की रोकथाम में सहायक होता है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। और थर्ड स्टेटमेंट है, इसके कारण भोजन में मौजूद कीटनाशक और अन्य विषैले पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट जो है गलत दिया गया है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, केवल सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही दिया गया है। तो फूड रेडिएशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे कि जो फूड की सेफ्टी जो है, ठीक है, फूड की सेफ्टी और जो फूड की जो शेल्फ लाइफ होती है उसको बढ़ाने में जो है मदद मिलती है। तो इससे क्या होता है, इसमें जो है आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है वो फूड से जो है दौड़ाया जाता है, जिससे कि जो फूड जो है वो और ज़्यादा सेफ हो जाता है और उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाती है। लेकिन इससे किसी भी प्रकार के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो किसी भी प्रकार से नष्ट जो है वो उसको जो है वो नष्ट कर देता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे जो है जितने भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इंसेक्ट, उनको नष्ट करता है, जिससे कि यहाँ पे जो फूड बॉर्न डिजीजेस जो होती हैं, ठीक है, जो खाद्य जनित बीमारी होती है उसकी रोकथाम में हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। लेकिन इसके जो है अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है ये किसी भी प्रकार के जो है भोजन के पोषण मूल्य को जो है वहाँ पे किसी भी प्रकार से जो है ऑल्टर नहीं करती है। जो भी उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू फूड की होती है वो वैसी ही रहती है, वो किसी भी प्रकार से ऑल्टर नहीं होती, उसमें किसी भी प्रकार से जो है छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये गलत दिया गया है, और थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि इससे जो पेस्टिसाइड और अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं फूड में प्रेजेंट, उसको भी नष्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है यहाँ पर। इसके बाद हम 84th क्वेश्चन को देखेंगे, किस राज्य ने 13वीं हॉकी सीनियर इंडिया पुरुष राष्ट्र चैंपियनशिप जीती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, पंजाब। तो हॉकी पंजाब ने जो है हॉकी हरियाणा को हराया था, ठीक है, फाइनल मैच में, और उसके बाद जो है हॉकी पंजाब जो है इसमें विजयी घोषित की गई थी। और ये जो है सीनियर इंडिया मेन्स नेशनल चैंपियनशिप हुआ कहाँ पे था, ये हुआ था चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई।
सो नेक्स्ट इज 85th क्वेश्चन, और वो कहता है कि वेयर इज द 5th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल 2023 हेल्ड. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, तिरुवनंतपुरम केरला में इसका आयोजन किया गया था. 86th क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या था? तो इसका आंसर है बी, 7th. ठीक है, तो जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 थी उसमें इंडिया की रैंक जो थी वो कितनी थी? 7th थी. इसके बाद 87th क्वेश्चन, और हमें देखना है कि कौन सा कथन जो है यहाँ पर सत्य नहीं है, कौन सा कथन जो है वो ट्रू नहीं है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, अम्ल विद्युत का संचालन नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो एक्वस सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन आयंस जो प्रेजेंट रहते हैं उसकी वजह से जो एसिड्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, उनका संचालन हो सकता है. तो यहाँ पे स्टेटमेंट बी जो है ये गलत दिया गया है. तो अम्ल का स्वाद जो है वो खट्टा होता है, बिल्कुल सही है. ये नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये भी बिल्कुल सही है. ठीक है, और इसके साथ साथ अगर हम एसिड की प्रॉपर्टी देखें तो यहाँ पर क्या है कि एसिड जो है एसिड जब रिएक्ट होता है मेटल के साथ तो उससे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और एसिड का जो पीएच लेवल होता है वो 7 से कम होता है. ठीक है, और जो है यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो एसिड होता है वो कंडक्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है. 88th क्वेश्चन, वायु के संपर्क में आने पर चांदी किस पदार्थ के बनने के कारण जो है वो काली हो जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, सिल्वर सल्फाइड. ठीक है, तो अक्सर हम लोग ने देखा है कि जो अगर हम चांदी जो है बहुत दिन तक एयर में एक्सपोज रहती है, बहुत खुले में रहती है तो वो काली पड़ने लगती है, तो उसके ऊपर जो है सिल्वर सल्फाइड जो है वो हो जाता है. ठीक है, इसके बाद हम 89 क्वेश्चन देखेंगे, नीले रंग का कांच प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 89 का डी, ठीक है, कोबाल्ट ऑक्साइड. ठीक है, जब हम कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाते हैं तो उससे हमें कांच का रंग जो है वो क्या मिलता है? वो हमें ब्लू मिलता है. जब हम कॉपर ऑक्साइड मिलाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है? उससे कांच का रंग जो है वो रेड हो जाता है, और ग्रीन कलर को अपनाने के लिए, ठीक है, ग्रीन कलर को देने के लिए जो है क्रोमियम ऑक्साइड का जो है इस्तेमाल किया जाता है. इसके बाद 90th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का एक अयस्क नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, कैलामाइन. ठीक है, बाकी बॉक्साइट, क्रायोलाइट और कोरंडन जो है वो एल्यूमिनियम के ही जो है वो ओर है, और जो कैलामाइन जो है ये किसका ओर है? ये जिंक का ओर है. तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी. 91st क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है वो कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए. ठीक है, ए, ऑक्सीजन. सबसे ज्यादा जो ह्यूमन बॉडी में जो है वो ऑक्सीजन पाई जाती है, जो कि जिसका कि प्रतिशत कितना है? वो 65% है. कार्बन को हम देखें तो 18.5% जो है यहाँ पे इसका हिस्सा है. नाइट्रोजन जो है वो 3.2% है, और हाइड्रोजन जो है वो 9.5% होती है. इसके बाद हम देखते हैं 92nd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो यहाँ पे सही दिया गया है? तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एमाइलेज, ठीक है, एमाइलेज क्या करता है कि जो जितना भी जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ब्रेक डाउन करने में मदद करता है, बिल्कुल सही है. लाइपेज जो है ये भी, ये जो है ये फैट्स को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है, ये भी बिल्कुल सही है. और लाइपेज जो है ये पैनक्रियाज द्वारा जो है ये बनाया जाता है. प्रोटीज जो है ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है. और प्रोटीज जो है ये भी पैनक्रियाज द्वारा ही जो है इसको बनाया जाता है. तो यहाँ पे तीनों ही पेयर जो है वो सही से सुमेलित दिए गए हैं. तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा डी, 1, 2, 3. निम्नलिखित का हमें मिलान करना है, तो यहाँ पर जो है कुछ हमें विटामिन दिए गए हैं और हमें उनके जो टेक्निकल नेम या फिर साइंटिफिक नेम के साथ जो है उनको मिलाना है. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम विटामिन B3 की बात करें तो विटामिन B3 का साइंटिफिक नेम होता है नियासिन. विटामिन B6 का जो नाम होता है वो होता है पायरिडॉक्सिन. विटामिन B9 को हम लोग फॉलिक एसिड कहते हैं, और विटामिन B12 को हम लोग कहते हैं कोबालामिन. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी, ठीक है, 2, 3, 1 and 4. डी इज द राइट आंसर. 94th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि कैल्सिटोनिन हार्मोन का उत्पादन करती है? तो कैल्सिटोनिन जो कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है वो
थायराइड ग्लैंड द्वारा जो है वो बनाया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो जो जो हमारा जो थायराइड ग्लैंड जो होता है वो कैल्शियम लेवल, फास्फोरस लेवल और मैग्नीशियम लेवल को हमारी बॉडी में जो है वो रेगुलेट करने का कार्य करता है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा डी, थायराइड ग्रंथि। 95th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो पहला क्या है, विटामिन ए इज अ फैट सोल्युबल, विटामिन ए इज फैट सोल्युबल, बिल्कुल सही है। विटामिन ए जो है वसा में घुलनशील होता है। और सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है, विटामिन ए वसा ऊतक में संग्रहित होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है गलत दिया गया है, क्योंकि विटामिन ए जो है ये लिवर में स्टोर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर हो जाएगा ए, केवल फर्स्ट जो है यहाँ पर सही आंसर सही से दिया गया है। 96th क्वेश्चन देखें, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के घूर्णन के परिणाम स्वरूप क्या प्रभाव होते हैं। तो चेंज इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, ठीक है। तो ये यहाँ पर गलत दिया गया है, क्योंकि ये जो है ये रिवॉल्यूशन के कारण जो है होता है। सेकंड क्या है, महासागरीय धाराओं का विक्षेपण, ये बिल्कुल सही है। दिन और रात का होना, अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा, 2 and 3 जो है यहाँ पर एकदम सही दिया गया है। 97th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो है कि लेहमन असंधता से निम्नलिखित में से किसका प्रतिकरण होता है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, ठीक है। आउटर कोर और इनर कोर को जो है लेहमन डिस्कंटिन्यूटी जो है वो सेपरेट करती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। 98 क्वेश्चन, 1498 में वास्को डिगामा निम्नलिखित में से किस समुद्र तट पर उतरा था, ठीक है। तो वास्को डिगामा जो है 1498 में जो है कैलिकट में आए थे, ठीक है, कैलिकट में आए थे, लेकिन वो कौन से बीच पर उतरे थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, कप्पड़ समुद्र तट में, ठीक है। तो 20 मई 1498 को वास्को डगामा जो है वो कप्पड़ बीच पर जो है आए थे, जो कि कोझिकोडे कैलिकट केरला में जो है स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं 99th क्वेश्चन, बेतवा नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना, हमें देखना है कि कौन कौन से यहाँ पे कथन जो है वो सही से दिए गए हैं, करेक्ट दिए गए हैं। सबसे पहले क्या है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम सतपुड़ा रेंज इन मध्य प्रदेश, तो ये यहाँ पर जो है गलत दिया गया है, क्योंकि ये सतपुड़ा श्रेणी से नहीं, ये विंध्यन रेंज से जो है वो निकलती है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, बेतवा रिवर मीट्स यमुना रिवर नियर हमीरपुर इन उत्तर प्रदेश, ये बिल्कुल सही दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, केवल सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया गया है। अगर हम बेतवा रिवर की बात करें तो विंध्यन रेंज रायसेन डिस्ट्रिक्ट से, RAISEN, रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से जो है यहाँ पे निकलती है। 100th क्वेश्चन, कौन सा दर्रा भारत चीन और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दीफू पास, दीफू दर्रा। और ये कहाँ पर स्थित है, ये अरुणाचल प्रदेश में जो है स्थित है। और ये जो है ट्राई जंक्शन, इंडिया चाइना और म्यांमार जहाँ मिलते हैं वहां पे जो है ये स्थित है। और ये जो है ये मैक मोहन लाइन जो है, जो कि इंडिया और चाइना को सेपरेट करती है, उस पर स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं 101st क्वेश्चन, वो कहता है कि उत्तर प्रदेश में से निम्नलिखित में से किस जिले की सीमाएं नेपाल से साझा होती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, कुशीनगर जो है वो नहीं होती है, इसके बाद महाराजगंज होता है, बलरामपुर होता है, सिद्धार्थनगर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के टोटल 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि नेपाल के साथ जो है बॉर्डर साझा करते हैं, वो कौन कौन से हैं, वो है पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। इसके बाद हम देखते हैं 102nd क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान करना है, यहाँ पे आइलैंड है और वो कौन से स्टेट में स्थित है, हमें उससे जो है यहाँ पे मिलान करना है। तो पीरम आइलैंड कहाँ पर है, ये है गुजरात में। नेत्रानी आइलैंड जो है ये कहाँ पर है, ये है कर्नाटका में। धर्मादम जो है ये है केरला में। और बुचर आइलैंड जो है ये महाराष्ट्र में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, 3, 1, 4 and 2। 103rd क्वेश्चन, एमसोट उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो एमसोट पीक जो है उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी की हाइट कितनी है, 957 मीटर है, और ये सहारनपुर में जो है स्थित है।
ठीक है। तो ये जो सहारनपुर का डिस्ट्रिक्ट है, जो है सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट और जो उत्तराखंड का जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट है उसके बॉर्डर पर स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी सहारनपुर। 104th कथन कहता है हम चंद्रमा का केवल एक ही आयाम देख सकते हैं, ठीक है। हम लोग केवल जो मून जो हमें पृथ्वी से दिखता है वो उसकी केवल एक ही साइड को हम पृथ्वी से देख सकते हैं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। रीजन क्या है, द साइज ऑफ द मून इज 1/4 ऑफ द साइज ऑफ द अर्थ, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ठीक है ये इसको सही से स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी कि दोनों सही तो हैं लेकिन रीजन जो है जो assertion को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा कर रहा है, ठीक है। तो हम क्यों मून का एक ही फेस किस लिए देख पाते हैं, हम मून का फेस इसलिए देख पाते हैं क्योंकि जितना समय पृथ्वी को एक रोटेशन करने में लगता है, ठीक है, सॉरी, जितना समय मून को पृथ्वी को एक रोटेशन करने में लगता है उतना ही समय पृथ्वी को जो अपने जो एक्सिस पर जो रिवॉल्व करती है उसमें भी उतना ही समय लगता है, जिसके कारण से हम लोग को चंद्रमा का केवल एक ही फेस दिखाई देता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। 105th क्वेश्चन, वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत के में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम ट्रोपोस्फेयर की बात करें, ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हम जैसे जैसे हाइट पे हम हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे वैसे क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो गिरने लगता है, तो ठीक है। तो यहाँ पे शोप मंडल में जो है ऐसा नहीं होता है, मेसोस्फेयर में भी जो जैसे हम हाइट पे ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर जो है वो गिरने लगता है, तो मेसोस्फेयर में भी नहीं होता है। स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर भी जो है इंक्रीज होने लगता है, तो संताप मंडल जो है हमारी ये सिचुएशन को फुलफिल करती है, ठीक है। थर्मोस्फेयर में भी जैसे जैसे हम हाइट पे ऊपर जाते हैं वैसे हमारा टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता है, तो थर्मोस्फेयर भी इसका सही जवाब है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका बी, केवल 3 और 4, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे 106th क्वेश्चन, और 106th क्वेश्चन कहता है कि हमें जो है यहाँ पे कुछ विशेषताएं दी गई हैं और हमें उस विशेषताओं से जो है नदी को पहचानना है। इसका उद्गम जो है अन्नामलाई पहाड़ियों से होता है और ये केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो ये कौन सी नदी है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए भारत पूछा, ठीक है। और जो पेरियार जो है ये सबसे लंबी नदी है केरला की, ठीक है। तो सेकेंड लार्जेस्ट कौन सी है, वो है भरतपुजा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। 107th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही से सुमेलित नहीं है, बाण सागर डैम जो है रिवर सोन पे बना हुआ है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद उकाई बांध जो है वो तापी नदी पे है, ये भी बिल्कुल सही है। माता टीला डैम जो है वो बेतवा नदी पे बनाया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। रंजीत सागर बांध जो है वो रिवर रावी पे बनाया गया है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। 108th क्वेश्चन, यहाँ पे हमें एक दो लिस्ट दी गई है जिसको कि हमें मैच करना है, कंट्री दी गई है और कैपिटल दी गई है। अगर हम जमैका की कैपिटल की बात करें तो वो क्या है, किंगस्टन है। सीरिया की कैपिटल क्या है, वो है डमास्कस। जाम्बिया की कैपिटल है लुसाका और लीबिया की कैपिटल है त्रिपोली। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, हमारा है डी, ठीक है, 4, 2, 3 और 1। 109th क्वेश्चन, महासागरों में सतही धाराओं का प्राथमिक कारण क्या होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, सी विंड एक्शन। तो जितने भी जो सरफेस ओशन करेंट्स हैं वो किस वजह से होते हैं, वो विंड की वजह से होते हैं, और जिस दिशा में विंड बहती है उसी दिशा में पानी भी बहने लगता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, पवन क्रिया। 110th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, हमें देखना है कि कौन से कथन जो है यहाँ पर सही से दिए गए हैं। लैटोसोल्स आर सॉल्ट्स फाउंड अंडर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही दिया गया है, लैटोसोल उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाने वाली मृदा होती है। लैटोसोल मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम होती है, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है वहां पे ह्यूमस नहीं होता है मिट्टी में, ठीक है। तो ये इसका जो है यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट भी जो है वो सही दी गई है, और थर्ड है कि इसमें आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में होता है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत सारे जो उसके एलिमेंट्स होते हैं वो लीचिंग के कारण जो है वो नीचे चले जाते हैं और ऊपर सतह पर जो है आयरन और एल्यूमिनियम जो है वो बच जाता है। तो यहाँ पे जो है एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड जो है वो बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं।
तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 स्टेटमेंट, यहाँ पर तीनों ही सही दिए गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं 111th क्वेश्चन, और वो कहता है कि यहाँ पे कौन सा ऐसा पेयर है जो कि करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, तो अगर हम ए की बात करें, थलाइयर फॉल्स कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, थलाइयर झरना जो है केरल में नहीं है, ये तमिलनाडु में है, इसलिए हमारा ये जो है ये सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद अगर हम यही देखें, कलिकल फॉल्स जो है ये मेघालय में है, बड़े ही पानी फॉल्स जो है ओडिशा में है, और चुलिया फॉल्स जो है ये राजस्थान में स्थित है, ये बाकी तीनों सही दिए गए हैं। 112th क्वेश्चन, दो यहाँ पे सूची दी गई है जिसको कि हमें यहाँ पे मिलान करना है, यहाँ पे कुछ प्रकार के लेक्स दिए गए हैं और हमें उसके एग्जाम्पल्स के साथ जो है इसको हमें मैच करना है। अगर हम टेक्टोनिक लेक की बात करें, ठीक है, तो टेक्टोनिक लेक कौन सी होती है जो कि अर्थ क्रस्ट में, ठीक है, जो हमारे जो फ्रैक्चर्स और फॉल्ट्स होते हैं उसकी वजह से टेक्टोनिक लेक्स जो हैं वो बनती हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है यहाँ पे वूलर लेक। ठीक है, इसके बाद अगर हम फ्लूवियल लेक की बात करें, तो यहाँ पे जो रिवर के कारण में, ठीक है, रिवर का जो अपरदन होता है उसके कारण से बहुत सारी लेक्स बन जाती हैं, तो उसका एग्जांपल क्या है, उसका एग्जांपल यहाँ पर अगर हम देखें तो वो है कोलेरू लेक। ग्लेशियल लेक जो है उसका एग्जांपल है गंगाबल लेक, और क्रेटर लेक का जो एग्जाम्पल है वो है लोनार लेक। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा B, 2, 4, 1 और 3। 113th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अवनालिका कटाव से सर्वाधिक प्रभाव होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, ए, इटावा। 114th क्वेश्चन, सिंधु नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। ठीक है, अगर हम इंडस रिवर की बात करें तो उसमें कौन सा कथन हमें देखने की सही नहीं है, तो सबसे पहले क्या दिया गया है कि रिवर इंडस जो है ये हिमालय की सबसे पश्चिमी नदी है। ठीक है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। पंचनद में केवल सतलज नदी ही सीधे सिंधु से मिलती है, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, सिंचिन, हालांकि जो है यहाँ पे जो इंदस की जो बहुत सारी जो है सहायक नदी है, लेकिन जो पंचनद में जो है वो केवल सतलज जो है उससे इंडस्ट्री जो है एकदम मतलब की उससे सीधे मिलती है, डायरेक्टली उसी से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है चेनाब, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये भी बिल्कुल सही है। सिंधु भारत में केवल जम्मू और कश्मीर से होकर बहती है, ये गलत है। यहाँ पे ये जो सिंधु नदी है ये लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर दोनों से बहती है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। इसके बाद हम देखेंगे 115th क्वेश्चन, लीप अहेड पहल का संबंध किससे है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, टेक स्टार्टअप से है। 116th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कोसी के गांधी के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा राम बहादुर सिंह। ठीक है, तो हाल ही में जो है राम बहादुर सिंह जी की जो एक फ्रीडम फाइटर थे उनकी जो एक मूर्ति जो है वो भगवती कोटिया पंचगछिया विलेज में जो सहरसा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है वहां पर जो है उसको इनॉग्रेशन किया गया है। ठीक है, और इन्होंने जो है यहाँ पे रॉलेट एक्ट में जो है पार्टिसिपेट किया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सहल सत्याग्रह में भी बहुत अहम भूमिका जो है वो निभाई थी। यहाँ तक कि उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट जो है 1942 उसमें भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल उनका था। इसके बाद 117th क्वेश्चन देखें, तो भारत में महिलाओं के लिए सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा वाला राज्य कौन सा है, वो है डी, केरला, जहाँ पे कि जो महिलाओं की जो जीवन प्रत्याशा है वो कितनी है, 79.3 ईयर्स। 118th क्वेश्चन, आठवां हनुमंतिया जल महोत्सव के डैश नदी के तट पर आयोजित किया गया था, तो ये कौन सी नदी थी, वो थी नर्मदा नदी। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था, मध्य प्रदेश में किया गया था, मध्य प्रदेश के भी खांडवा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, खांडवा डिस्ट्रिक्ट में इसका जो है आयोजन किया गया था 20 से लेकर 24 दिसंबर तक। तो कौन सी नदी के किनारे है, वो नर्मदा नदी के किनारे। 119th क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा किन दो जिलों के बीच में संचालित होगी, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, आगरा और मथुरा। आगरा में जो है बटेश्वर जो सिटी है वहां से लेके जो है गोवर्धन मथुरा तक जो है ये 65 किलोमीटर की जो है वो यात्रा तय
करेगा। इसके बाद हम देखते हैं 120th क्वेश्चन, वर्ष 2023 में हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, तो इसका आंसर क्या है, वो है ए संजीव। 121st क्वेश्चन, वह कौन सा देश है जिसने हाल ही में ओपेक समूह छोड़ने की घोषणा की है, तो इसका आंसर क्या है, बी अंगोला। ठीक है, इनके जो बहुत सारे जो है कोटास होते हैं, ठीक है, आउटपुट कोटास होते हैं, उससे जो है अंगोला जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो बहुत खुश नहीं था, तो जिसके चलते जो है उसने ओपेक से बाहर होने का ऐलान किया है। 122nd क्वेश्चन, भारत में रोजगार योग्य युवाओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हरियाणा हो जाएगा। तो इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार हरियाणा में सबसे ज्यादा जो है सर्वाधिक संख्या है रोजगार योग्य युवाओं की। 123rd क्वेश्चन, दो यहाँ पे लिस्ट दी गई है जिनको कि हमें मैच करना है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, हमें उससे जो है यहाँ पे मैच करना है। तो सबसे पहले अगर हम अमेठी की बात करें तो अमेठी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो गौरीगंज में है। अंबेडकर नगर का अकबरपुर में है। कौशाम्बी का कहाँ पे है, वो है मंझनपुर में। और सोनभद्र का जो है वो रॉबर्ट्सगंज में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा सी 4, 3, 2 and 1। 124th क्वेश्चन, निम्नलिखित तथ्यों पर हमें विचार करना है और देखना है कि हमें कौन कौन से स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या है, गंगा उत्तर प्रदेश के 26 जिलों से होकर बहती है, तो ये यहाँ पे गलत है, 28 जिलों से होकर गुजरती है। और सेकेंड स्टेटमेंट है, गंगा एंटर्स इन उत्तर प्रदेश में बिजनौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, केवल सेकेंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही दिया गया है। 125th क्वेश्चन, हाल ही में अमृत वृक्ष आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी असम, ठीक है। इसके बाद 126th क्वेश्चन, 126 क्वेश्चन, एक हालिया वैज्ञानिक शोध से पृथ्वी के आंतरिक भाग में नई परत बनने की पुष्टि की गई है, यह परत किस भाग पर बनती है, ठीक है, तो यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक नई परत की खोज की है और उनका मानना है कि जितना भी जो पानी का रिसाव होता है उसकी वजह से जो है जो पृथ्वी के कोर का जो सबसे पृथ्वी के कोर का जो बाहरी भाग है उस पर जो है एक नई परत जो है फॉर्म हो रही है और इस नई परत को जो है ई प्राइम लेयर का जो है नाम दिया गया है, ठीक है। इसके बाद 127 क्वेश्चन, वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी ट्विंकल खन्ना। 128th क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, 128 का सी केन्या, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अगर हम बात करें तो ये टोटल जो है 19 कंट्रीज से होकर जो है वो गुजरती है और अफ्रीका के जो है 11 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें कि केन्या नहीं है, अल्जीरिया है, नाइजर, लेबिया, चाड, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, माली, वेस्टर्न सहारा और मॉन्टेनिया है। 129th क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है ए राजस्थान, ठीक है। तो अभी जो हाल ही में जो बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक 2023 जो रिलीज किया गया है उसके अनुसार राजस्थान जो है यहाँ पे वर्ष 2022-23 में सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य उभर के सामने आया है। 130th क्वेश्चन, हाल ही में कालाहांडी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर मां मणिकेश्वरी विश्वविद्यालय कर दिया गया है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ओडिशा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है उनके जो प्रिसाइडिंग जो भगवान है जिनको पूजा की जाती है वो है मां मणिकेश्वरी, तो उन्हीं के नाम पे जो है वहां पे विश्वविद्यालय का नाम जो है वो बदल कर रख दिया गया है। 131st क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन कौन सी यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो सही दिए गए हैं, ठीक है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो सबसे पहले क्या है, स्क्रब टाइफस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है, तो ये एकदम यहाँ पर
सही दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं स्क्रब टाइफस इज ए कंटेजियस डिजीज। ठीक है, तो ये जो है छुआछूत की बीमारी नहीं है, संक्रामक रोग नहीं है, तो यहाँ पे ये जो है गलत स्टेटमेंट दिया गया है। और थर्ड है इज स्प्रेड थ्रू पीपल थ्रू बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड चिगर्स। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया गया है, तो वन एंड थ्री सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, केवल फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया गया है। 132nd क्वेश्चन, मृदा प्रदूषण में निम्नलिखित में से कौन से कारण है? लैक ऑफ ह्यूमस इन सॉइल, बिल्कुल सही है। लैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सॉइल, ये भी सही है। इंडस्ट्रियल रन ऑफ, ये भी सही है। और डिफोरेस्टेशन, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 and 4 सी इज द राइट आंसर। 133rd क्वेश्चन, वॉशिंगटन कन्वेंशन का संबंध किससे है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, लुप्त प्राय पौधों और जानवरों के संरक्षण से। तो जिसको कि हम लोग जो है जो कॉमन नेम से जानते हैं उसको कहते हैं साइट्स। ठीक है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, तो साइट्स का जो एम है, जितने भी जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनके ट्रेड को, ठीक है, या फिर उनको उनके जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको जो है रेगुलेट करना। ठीक है, तो इसलिए जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। 134th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्वतंत्रता से पहले स्थापित किया गया था? तो अगर हम वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1982 में हुई थी। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1998 में हुई थी। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1962 में हुई थी। और BNHS बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना जो है वो 1883 में हुई थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 135th क्वेश्चन, और वो कहता है वायु जल अंतरा पृष्ठ पर रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं? द ऑर्गेनिजम्स लिव एट द एयर वाटर इंटरफेस आर कॉल्ड, इसका आंसर हो जाएगा न्यूस्टन। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 136th क्वेश्चन, एक सकर फिश का शार्क से जुड़ना किस प्रकार की जैविक अंतःक्रिया का उदाहरण है? तो इसका आंसर क्या है, डी, कमेंशियलिज्म, सहभोज्यता। 137th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री व्युत्पन्न नहीं है? ठीक है, जो मरीन डेट्रिवोस जो है इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी, जेलीफिश। तो मरीन डेट्रिवोस क्या होते हैं, जो कि डेट्रिवोस वो होते हैं जो कि पौधे या फिर जो एनिमल्स मर जाते हैं उन पर, वो उन पर ही जो है आश्रित होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम मरीन डेट्रिवोस की बात करें तो वो जो जितने भी जो मरीन में या फिर पानी के अंदर जितने भी जो जानवर मर जाते हैं, जितने भी जो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, जो भी पेड़ सड़ने गलने लगते हैं उनको जो खाना बनाते हैं उनको मरीन डेट्रिवोस कहते हैं। तो सी, ककंबर्स, क्रैब्स और लॉबस्टर्स जो है वो मरीन डेट्रिवोस के अंतर्गत आता है। जेलीफिश जो है ये छोटे छोटे जो जीवित माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटी छोटी जो मछलियां होती हैं उनको अपना खाना बनाती हैं, तो इसलिए जेलीफिश जो है वो डेट्रिवोस की कैटेगरी में नहीं आती है। 138th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक शीतलन का कारण बनती है? तो इसका आंसर क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये ग्लोबल कूलिंग का काम करती है, क्योंकि इससे क्या होता है, ये OH रेडिकल बनाती है जिससे कि जो मीथेन गैस जो है, ठीक है, मीथेन जो मॉलिक्यूल जो है उसको जो है ये यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने का काम करती है, और जिसके कारण जो है ग्रीन हाउस गैसेस जो है, मीथेन एक बहुत ही अहम ग्रीन हाउस गैस है जिसको कि उसका ग्रीन हाउस गैस का जो प्रभाव जो होता है वो कम होता है, और यहाँ पे जो है ग्लोबल कूलिंग का कॉज बनती है नाइट्रोजन ऑक्साइड। 139th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रामसर स्थलों की कौन सी जोड़ी सही ढंग से सुमेलित नहीं है? तो अगर हम देखें वाधवाना वेटलैंड्स की गुजरात में है, बिल्कुल सही है। बिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा में है, ये भी बिल्कुल सही है। रुद्र सागर लेक जो है उत्तराखंड में नहीं है, ये कहाँ पर है, ये त्रिपुरा में है। ठीक है, तो सी जो है हमारा सही आंसर है, और डी जो है वो हैदरपुर वेटलैंड कहाँ पे, वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा।
40th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं के सीधे पिरामिड का उदाहरण है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, घास का मैदान पारिस्थितिकी तंत्र, बिल्कुल सही दिया गया है। ट्री इकोसिस्टम जो है ये इन्वर्टेड पिरामिड बनाता है, पैरासाइटिक फूड चेन जो है ये भी इन्वर्टेड पिरामिड बनाता है, और पॉन्ड इकोसिस्टम जो है वो अपराइट पिरामिड बनाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा डी 1 और 4। 141st क्वेश्चन, एशिया का दूसरे सबसे बड़ा मछली बाजार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? तो इसका आंसर क्या है, वो बी है, मुरादाबाद। 142nd क्वेश्चन, भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डी सहारनपुर में। ठीक है, तो सहारनपुर में इसका स्थापना की जाएगी। यहाँ पे जो यहाँ पे IIT रुड़की का एक कैंपस जो है वो सहारनपुर में भी है, और इसको वहीं पर जो है स्थापित किया जाएगा। 143rd क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा से सुसज्जित पहला एक्सप्रेसवे कौन सा होगा? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तो यहाँ पे जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है उसके साइड में जो है पूरे सोलर पावर प्लांट्स जो है वो लगाए जाएंगे, जो की PPP मॉडल पे इसकी स्थापना की जाएगी, और इसी के साथ साथ जो है यहाँ पे टारगेट क्या है कि 550 मेगावाट सोलर पावर जो है इससे जनरेट किया जाएगा। इसके बाद 144th क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर एविएशन हब स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी नोएडा। ठीक है, इसके बाद 145th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्या है, वनतंगिया कम्युनिटी कम्प्राइजेस पीपल ब्रॉट फ्रॉम बांग्लादेश ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल टू प्लांट ट्रीज। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत दिया गया है, इनको बांग्लादेश से नहीं, इनको म्यांमार से लेकर के आया गया था यहाँ पे इंडिया में ट्री प्लांटेशन के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में वनतंगिया आदिवासी के साथ दिवाली का त्योहार मनाया था, ये बिल्कुल सही है, ये सही स्टेटमेंट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, केवल सेकंड स्टेटमेंट जो है ये सही है। और इसको तो जो वनतंगिया कम्युनिटी को म्यांमार से कौन लेकर के आया था, वो लेकर के आए थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन इसका जवाब होगा। 146th क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में गौ विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, बी मथुरा में किया जा रहा है। 147th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है ए रितु करिधर। ठीक है, ये जो इंडिया का जो लूनर स्पेस प्रोजेक्ट था चंद्रयान 3 उसकी भी जो है इंचार्ज थी, और इनको जो है रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। 148th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, हमें देखना है कि कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या है, पात मित्र ऐप इज लॉन्च टू एम्पावर जूट फार्मर्स बाय प्रोवाइडिंग देम टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस, बिल्कुल सही दिया गया है। सेकंड दिया गया है, कपड़ा मंत्रालय द्वारा पैट मित्र ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही दिए गए हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि पात मित्र ऐप जो है वो किससे रिलेटेड है, तो वो क्या होगा, जूट फार्मर से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद 149th क्वेश्चन, हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, वे निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो भी है बैडमिंटन। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 जो है वो दो लोगों को दिया गया है, पहले तो है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी जो कि बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं, और दूसरा है रणकी रेड्डी सात्विक साईराज, वो भी बैडमिंटन से ही जुड़े हुए हैं। 150th क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा में के नव नियुक्त अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो हाल ही में जो है यहाँ पे इलेक्शंस हुए हैं कई राज्यों में, और वहां पे जो राजस्थान विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है डी वासुदेव देव नानी। ठीक है, तो दैट इज ऑल फॉर नाउ इन दिस वीडियो, थैंक यू सो वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ।